सभी दोस्तों को सुनील का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैंने आपसे अपने टेरेस गार्डन की जो है फर्स्ट वीडियो शेयर की थी। आज दोस्तों उसी का जो है सेकंड पार्ट जो है वो शेयर करूंगा और अपने बचे हुए प्लांट्स आपको दिखाऊंगा वो क्या क्या प्लांट्स हैं और उनके क्या क्या नाम है। दोस्तों, यही मेरा वीडियो रहेगा आज का। यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं रात की रानी प्लांट से। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है और ये कितनी ज़्यादा जो है इसमें बर्ड्स आई हुई है। पूरा प्लांट जो है फ्लावरिंग से भरा हुआ है। हालांकि ये प्लांट है दोस्तों रात में फ्लावरिंग करता है, इसलिए इसका नाम जो है रात की रानी रखा है। और इसकी दोस्तों एक केयर की वीडियो भी जो है मैंने अपलोड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ लगा हुआ है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट। ये मैंने जो प्लांट है कटिंग से ग्रो किया था, कटिंग से दोस्तों बहुत अच्छे प्लांट जो है ग्रो कर रहा है। डेली 3 से 4 फ्लावर्स जो है इसमें खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा दोस्तों ये प्लांट है। और इसके साथ है यूफोर्बिया मिले, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लावर्स आए हैं, पिंक कलर का फ्लावर्स दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत हार्डी प्लांट है। हालांकि मेरे पास इसका एक और प्लांट है, ये दोस्तों इसकी ड्वार्फ वैरायटी है। इसमें जो है अपना येलो कलर का जो है फ्लावर्स है, अभी दोस्तों रिसेंटली पीछे खिला हुआ था, ज़रा बरसात से वो झड़ गया। एक ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास गंधराज की जो है ड्वार्फ वैरायटी। नर्सरी वाले ने दोस्तों मुझे ये गंधराज का प्लांट कह के दिया है। हालांकि इस प्लांट को दोस्तों मैंने पहले नहीं देखा है, तो बहुत ही दिखने में दोस्तों खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत बुशी सा प्लांट है, मुझे प्लांट बहुत सुंदर लगा। और इसके साथ है दोस्तों ये लेमन ग्रास का प्लांट, ये भी दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही इस प्लांट को जो है मैंने परचेज किया है। और इसके साथ है ये बटन रोज का प्लांट, इसमें दोस्तों छोटे छोटे जो है रोज के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर सा ये प्लांट लगता है। अभी जैसे ही सर्दियाँ आएंगी इसकी जो ग्रोथ है दोबारा से शुरू हो जाएगी। और ये है मेरा डबल चांदनी का प्लांट, इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्ड्स आई हैं, डीप ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा ये है प्लांट फ्लावरिंग करता है। हालांकि मेरे पास एक और मिनी चांदनी का प्लांट है, उसके जो फ्लावर का साइज़ है वो छोटा होता है, इसका फ्लावर का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। और इसके साथ लगा हुआ है मेरा एक्जोरा का प्लांट, अभी इस प्लांट को जो है मैंने कुछ समय पहले ही रिपोर्ट किया है। ये दोस्तों इसकी जो है ड्वार्फ वैरायटी, इसके लीव्स देख सकते हैं आप, कितने छोटे से बंचेस में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। दोस्तों मेरे पास कुछ कोलियस की भी वैरायटी है, ये है दोस्तों मेरा कोलियस का प्लांट। दिखने में प्लांट जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, अलग अलग कलर्स अलग अलग पैटर्न्स में आते हैं। जैसे ही दोस्तों विंटर आता है प्लांट की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छा ये प्लांट लगता है। एक दोस्तों ये वैरायटी है मेरे पास कोलियस प्लांट की। इसके साथ ही दोस्तों ये मेरा जो है बोस्टन फर्न का प्लांट, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, इनडोर और आउटडोर किसी भी कंडीशन में प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और इसके साथ ही दोस्तों ये मेरा कोलियस का प्लांट, ये दोस्तों छोटी सी स्टैम्प कटिंग जो है इस प्लांट की मैं लेकर आया था और बहुत ही अच्छा दोस्तों ये प्लांट जो है ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों ये है मेरा सेंसिवेरिया की वैरायटी, इंडोर आउटडोर किसी भी कंडीशन में प्लांट जो है सरवाइव कर जाता है और 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट है। और इसके साथ दोस्तों ये मेरी जो है फर्न की वैरायटी एज पर ग्रास, उसकी दोस्तों मैंने एक छोटी सी कटिंग जो है वो इसमें ग्रो की है। और यहाँ है दोस्तों मेरा शफरेरा का प्लांट, वेरीगेटेड वैरायटी है दोस्तों, ये दिखने में दोस्तों प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये इंडोर आउटडोर दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है। हालांकि दोस्तों ज़्यादा सनलाइट मिलने से इसकी जो लीव्स जो है वो जल गई हैं, लेकिन कुछ ही समय में प्लांट जो है ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों ये मेरा जो प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है, अभी दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने इस प्लांट को लिया है। मुझे दोस्तों ये प्लांट के फ्लावर्स और इसकी दोस्तों जो लीव्स हैं बहुत ही सुंदर लगती है, इसके लिए दोस्तों ये प्लांट मैंने जो है परचेज़ किया है। इसके साथ ही है दोस्तों ये रंगून क्रीपर, जिसे हम मधुमालती कहते हैं, ये दोस्तों इसकी जो है ड्वार्फ वैरायटी है। इस प्लांट को भी हालांकि परचेज किए हुए मुझे 3 दिन हुए हैं, इसमें दोस्तों बहुत ही हैवी बर्ड्स आई हुई थी, मुझे दिखने में प्लांट बहुत सुंदर लगा और दूसरा ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसलिए दोस्तों इस प्लांट को जो है मैंने परचेज किया। और इसके साथ है दोस्तों ये प्राइड ऑफ इंडिया, दोस्तों मैं इसके जो अभी जो है 2 कलर लेके आया था, वाइट और अपना मैरून कलर।
दोनों को दोस्तों मैंने एक साथ ही जो है लगा दिया है। अभी रिसेंटली दोस्तों इस प्लांट को जो है मैंने परचेज किया है। ये है दोस्तों मेरा मोगरा का प्लांट, और इसके साथ ही दोस्तों ये है फाइकस। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इंडोर आउटडोर किसी भी कंडीशन में दोस्तों प्लांट सर्वाइव कर जाता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसके साथ ही है दोस्तों ये हाइबिस्कस का प्लांट। ये दोस्तों इसकी देसी वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इस प्लांट ने फ्लावरिंग की है। इसके साथ है दोस्तों ये मेरा विंका का प्लांट, देसी वाली वैरायटी। और इसके साथ दोस्तों ये मैंने कटिंग लगाई है रोहियो की, ये पोचुला का। और इसके साथ दोस्तों ये मैंने कटिंग लगाई फिलोडेंड्रोन की, किसी से दोस्तों मुझे कटिंग मिली थी। इसके साथ है दोस्तों ये युका का प्लांट, और इसके साथ ही दोस्तों ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट। ये है दोस्तों पर्पल हार्ट का प्लांट। ये दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही मैं इसकी प्लांट की जो है कटिंग लेके आया हूँ। और ये है दोस्तों वंडरिंग जू, ये भी दोस्तों मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत अच्छी दोस्तों ये ग्रोथ अपनी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मैं विदा लेता हूँ अपने इस ब्यूटीफुल से टेबल कामनी के प्लांट के साथ, जिसे मैंने आज ही अपने इस बोनसाई ट्रे में जो है शिफ्ट किया है। यदि दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।